इस वक्त डेल्टा पोलराइजेशन इस बात तक चली गई है कि हर वो चीज जो समेत ये अपोजिशन के नुकसान हुकूमत को पहुंचा सकती है, चाहे उसके नतीजे में मुल्क को भी नुकसान हो, तो वो इस मामले में साथ आने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा, ना ही उनमें इमरान खान में वो बसीरत है, वो अंदाज है जो अक्सर हुआ करता है पॉलिटिशियंस में कि भाई आप जो मर्जी करें लेकिन लोग कोशिश करें लोगों को साथ लेकर चलने की। लोगों को साथ लेकर चलना ये एक आर्ट है और पॉलिटिक्स का आर्ट है, ये गुनाह नहीं है और ना ही ये इस तरह की गद्दारी है। मतलब पाकिस्तान के साथ या दुनिया में मैं समझता हूँ किसी मुल्क में भी किसी भी पॉलिटिशियन की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि कितना ज्यादा वो लोगों को अपने दुश्मनों को भी साथ लेकर चलता है। लेकिन जो शख्स ये कहे कि मैं किसी को साथ लेकर नहीं चलना चाहता, ये उसकी खूबी नहीं है। इसका नुकसान ये होता है कि वो स्टेट जो है उसको नुकसान पहुंचता है। जब आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो आप सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, और अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते और डिलीवर ना करने की चाहे कोई वजह भी हो, चाहे ये भी आप कहें कि अपोजिशन साथ नहीं थी, तो दिस इज योर फेलियर, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। चूंकि आप ड्राइविंग सीट पर है, यू हैव टू गो देम गेट देम अलोंग। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो नहीं वो मान रहे अपना अपोजिशन वाले इसको ओपन बैलेट को, उसकी बुनियादी वजह यही है कि उनके जेन में इस तरह की सूरत हाल है कि वो पैसा चला के असर रसूख के जरिए वो इसकी हुकूमत को चलता करना चाहते हैं। और चलता करने की जो सूरत आपने बताई है वाकई वो उसमें कोई शक नहीं है, वरना जहां तक सेनेट में वोटों के कितने का मामला है वो तो हर एक को पता है। और अपोजिशन भी पहले बड़ी परेशान थी कि जी ये सारे क्या हो गया, हमारे लोग कितने थे और सेनेटर उतने नहीं बन सके, तो इसलिए उनका साथ ना आना इस मामले में ओपन बैलेट शो ऑफ हैंड के लिए वो बुनियादी तौर पर वही टारगेट है उनके सामने जो रखा हुआ उन्होंने।